वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारत का प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में क्या रहा। रवि दहिया ने कहा, ऐसा खेल दिखाऊंगा दुनिया हिल जाएगी। टोक्यो ओलंपिक्स में बुधवार को हरियाणा की माटी के लाल रवि दहिया ने कुश्ती के 57 किलो वेट के फाइनल्स में जगह बना ली है। बुधवार दोपहर 2:45 कजाकिस्तान के पहलवान को पटकनी देकर रवि ने देश के लिए चौथा मेडल पक्का कर लिया है। वहीं उनके खुद के गोल्ड मेडल लेकर आने की आस भी और प्रबल हो गई है। दरअसल रवि मंगलवार को परिवार से बात करते हुए बोले, ऐसा खेल दिखाऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उन्होंने क्वालिफाइंग और क्वार्टर फाइनल्स में दोनों विरोधी पहलवानों को 10 से ज्यादा अंकों के अंतर से हराकर मुकाबला एक तरफा कर दिया। सेमीफाइनल को भी पूरे जोश और होश के साथ जीता। इसके बाद उनके घर पर और दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम स्थित कर्म भूमि पर जश्न का माहौल देखने को मिला। अब सबकी नजरें गोल्ड मेडल के लिए होने वाले कुश्ती पर हैं। रवि के छोटे भाई पंकज ने बताया कि टोक्यो ओलंपिक से पहले पिताजी रवि के लिए लड़की देख रहे थे, लेकिन उसने साफ कह दिया कि ओलंपिक से पहले शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। परिवार अब पदक के साथ लौटने के बाद रवि की शादी पर आगे विचार मंथन शुरू करेंगे। इसी तरह के स्पोर्ट्स अपडेट देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल खेल फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड कॉमेंट करें।